बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आईफोन यूजर्स के लिए, और एंड्रॉयड में भी शायद तक होगा ही है, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जैसे कि स्नैपट्यूब हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे सब लोग, एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 10 बजे और मैं निकल रहा हूँ शॉप के लिए फटाफट। आज भी लेट, वैसे मैं 10 बजे पहुँचने का होता है, लेकिन रात को यार नींद ही नहीं आती यार, क्या करें यार, पूरा दिन नींद आती है लेकिन रात को ही नींद नहीं आती। सो अभी जा रहा हूँ और जल्दी से पहुँचता हूँ। और कल रात को जो मैंने बाइक दिखाई थी, एक्चुअली में क्या हुआ था वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये तो बहुत दिनों से वॉश नहीं हुई इसकी वजह से, और इसमें मैंने वॉशिंग करवाई थी, लेकिन ये आप देख पा रहे हो पूरा कीचड़, वो पूरा सीमेंट वाला पानी है, ऊपर से गिरा था ना, तो देखो अभी यहाँ पर भी छींटे दिख रहे होंगे आपको पूरा। सो इस वजह से बाइक पूरी ऐसी हो गई है। सो अभी आज इसको वॉशिंग करवाना है, आप ये देख पा रहे हो पूरा सीमेंट का ये पूरा पानी गिरा था इसके ऊपर, मतलब ऐसे ही खड़ी थी यहाँ पे पानी, मतलब गिरा था उसके छींटे पूरे इस पर उड़े थे इस वजह से। बाकी तो मैंने वॉशिंग करवाई थी उसी दिन, तो चलते हैं फटाफट क्योंकि पहुँचने का अभी है ही क्या। हेलमेट पहन लेता हूँ मैं, और भाई साहब इसका लुक है ना नेक्स्ट लेवल लुक है यार, इस जो DRL है ना वो बहुत ही मस्त लगती है। तो बहुत गंदी हो चुकी है, अभी करते हैं GoPro माउंट, और बावे से साथ में प्रीतेश तब तक बैठा है अंदर, तो हम जाके आते हैं। शाम के भी बज रहे हैं कुछ 7 बजे, 7 बज के कुछ 5-6 मिनट कर दे भाई, सीट साफ कर दे, GoPro यहाँ पे माउंट कर देता हूँ। वैसे ये टूट चुका है वैसे तो, भाई GoPro पकड़ दो एक सेकंड में दिखा दूँ कि देखिए ये जो है ना, लेकिन फिर भी इतना दूर जाना नहीं सो चलता। तो हो गया माउंट, और आर अभी तक अपना नहीं आया और लग रहा है गंदा, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा 2 दिन में। तो आ गया अपनी बाइक वॉशिंग का टाइम फाइनली। बन चुकी है अपनी कुछ बाइक ऐसी, इसके ऊपर सीमेंट का पानी आ गया था, अगर हम टाइम पे वॉशिंग नहीं करवाते तो वो फिर चिपक जाता पूरा सीमेंट और कलर को पूरा ख़राब कर देता। GoPro लगा देते हैं। लुक एट द बीस्ट गाइस, कैसी मस्त लग रही है। और मेरी शॉप पे ये बैग पड़ा था कब से, वो मैं लेके आ गया, जो मेरा फ्रेंड एक था वो सापूतरा गया था, सो ये मेरा ट्रैवलिंग बैग लग गया था। सब जो फूल की माड़ा है वो सब मैं डेली चेंज करता हूँ। तो शॉप पे मैंने सोनालमा की जो बहुत बड़ी छवि जो मैंने लगाई है उस पर जो फूल की माड़ा है वो मैं डेली चेंज करता हूँ, और वो माड़ा फेंकने की नहीं होती, और उसको दरिया में मतलब दरिया में क्या बोलते हैं उसको, दरिया में फेंकने को होता है, ऐसे ही कचरे में नहीं फेंकने को होती। सो इधर मैंने रख दी है, अभी घर पे लेके आ गया, बहुत सारी जमा हो गई थी, अभी जब मांडवी जाएंगे तब दरिया में साथ में फेंक देंगे वो जगह सामान, और ये सामान जो भी दरिया में जो फेंकने का था वो वाला। और मेरी माइटी हॉर्स दिखाऊँ तो थोड़ा सा कवर अभी निकाला है, तो आप देख पा रहे हो पूरी पूरी की पूरी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है पूरी, ये टायर की हालत देखो पूरी ख़राब हो गई है, और पीछे से भी अगर मैंने कवर निकालूं थोड़ा बहुत गंदी है और पूरी ख़राब हो गई अपनी माइटी हॉर्स। इसको जल्दी से जल्दी बनवाना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट ऑल डेड हो ही चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, इंजन में काम है, टायर नए डालने, सो ऑलमोस्ट पूरी डेड हो चुकी है, सो नहीं बनानी है, पूरी न्यू डेवलप करनी है माइटी हॉर्स को। तो कैसे अभी आप अपने रूम में आ चुका हूँ, और डेली ब्लॉग्स करना थोड़ा सा अभी मेरे को टफ लग रहा है, क्योंकि डेली क्या बोलना, क्या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, वो थोड़ा सा टफ है, वो थोड़ा सा टफ है। तो अभी पता चल रहा है कि जो डेली ब्लॉग्स करते हैं वो कितना टफ होता है। और आज मैं जिम नहीं गया, एक्चुअली कल मैं जिम देखने गया था, लेकिन जिम अच्छी थी, सब ट्रेनर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज मैं जिम नहीं गया। उसका रीज़न है कि आज मुझे थोड़ा घर पर काम था, जल्दी आना था, और मेरा टाइमिंग अभी सेट नहीं हुआ है कि रात को मैं कितने बजे शॉप क्लोज़ करूं और सुबह मैं कितने बजे शॉप ओपन करूं, तो वो अभी सेट नहीं हुआ है,
तो वो सब हो जाए, उसके बाद हम या सुबह को या तो शाम को जिम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि जिम जाना है भाई साहब, अभी वेट कम करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो अभी जिम जाना है। दूसरा, आज मुझे कैसे भी करके हिसाब करना था लेकिन मैं बुक शॉप के अंदर ही भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं शॉप से निकल रहा था तब थोड़ी सी एसिडिटी जैसा कुछ हुआ मेरे को अचानक ऐसे ही, कि जो अपने को उल्टी जैसा जब होता है ना वैसा मेरे को हुआ, और उसमें मेरा जो गला है यहाँ पे इतना जलन करने लगा कि आप पूछो ही मत, कि मैं फटाफट वहाँ से जल्दी निकल गया, प्रीतेश को बोला, प्रीतेश भाई तू शॉप क्लोज कर देना, मैं जा रहा हूँ। मैं फटाफट भाग आया और घर पे आ गया, थोड़ा सा पानी वानी पिया और थोड़े से फ्रूट खाए, और अभी बस बैठा हूँ शांति से। बोलने में अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ऐसे मतलब फील हो रहा है कि अभी भी कुछ है ऐसा, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो कैसे हो गया। तो मैंने घर पे आके मम्मी को बोला, अचानक ऐसे हो, तो मम्मी ने बोला एसिडिटी हुई होगी, तो अगर नाश्ता किया होगा तो, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। सो वो सीन था अभी, तो अभी बस बैठ रहा था, और अभी एक्चुअली मैं देख रहा था यूट्यूब पर देख रहा था, और ऐसे ही दिमाग में थॉट ऐसे ही घूम रहे थे कि क्या बोलूँ अभी, क्या बनाऊँ। सो बस मैंने मैंने सोचा चलो उठाओ कैमरा और बोलते जाते हैं और कुछ बना देते हैं। सो डेली व्लॉग करना सही में थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को अभी। और जिनके पास आईफोन है और उनको यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना है, तो उनके लिए यूट्यूब या इंस्टा में से, तो उनके लिए मैं एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, ब्लैक होल उसका नाम है, यहाँ पे आपको उसका पिक दिख रहा होगा। ये एप्लीकेशन में सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, यूट्यूब की, इंस्टा की या फेसबुक की, जहाँ की भी वीडियो हो उसकी जो लिंक होती है वो कॉपी कर लेनी है। वो कॉपी करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे और बीच में ऐसा ब्लैक होल आपको जो दिख रहा है उसको आप क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो उसमें चला जाएगा और डाउनलोड होने लगेगा, और आपको एक ऐड आएगी, वो आप जब तक ऐड पूरी हो जाएगी तब तक तो वीडियो डाउनलोड भी हो चुका होगा। छोटी सी ऐड आएगी, कोई भी एक ऐड आएगी गेम की, ऐसे नॉर्मली जैसे दूसरे एप्लीकेशन में आती है, एक ऐड आएगी, वो ऐड आप स्किप भी कर सकते हो। सो स्किप कर लोगे तब तक तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में आ जाएगा। तो कुछ कुछ वीडियोस में ऐसे डाउनलोड करता हूँ जो मुझे बहुत सारे बंदे पूछते भी हैं कि भाई आईफोन है तो व्हाट्सएप पे, इंस्टा के जो रील्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे कैसे रखता है तू, तो मैं इस तरह से मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ। और कभी कभी कोई म्यूज़िक है, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है, तो वो मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ, और कॉपी मतलब कि डाउनलोड करता हूँ, फिर उसका ऑडियो बना के यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो ब्लैक होल करके एक एप्लीकेशन है और उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकअप कर लीजिए ब्लैक होल को, वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आईफोन यूज़र्स के लिए, और एंड्रॉयड में भी शायद तक होगा ही है, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे कि स्नैपट्यूब हो गया, फिर वीडमेट हो गया, वीडियो ऑर्डर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, लेकिन आईफोन के लिए आई थिंक सो ये एप्लीकेशन सब चलते होंगे, लेकिन ये ब्लैक होल है वो सिंपल सोवर और बहुत मस्त एप्लीकेशन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये मेरी स्नीकर है जो मैंने हाल ही में ख़रीदी थी अहमदाबाद से, और इसकी हालत आप देख पा रहे हो कितनी ख़राब हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, तो ये मेरे को वॉशिंग में देनी है। एक्चुअली इसकी हालत ख़राब इस तरीके से हुई कि मैंने इसको अपने रूम पे नहीं रखा, और रखा मैंने नीचे जहाँ पे सब शूज़ रखते हैं जो मतलब डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं ऐसे, तो वहाँ पे मैंने इसको रखा, और मेरे जो पापा हैं उनको पता नहीं था कि ये शूज़ जॉगिंग के शूज़ नहीं है, ये स्नीकर है, उनको पता नहीं था, तो उनको तो बस शूज़ दिखी और वो पहन के चले गए जॉगिंग करने के लिए, और बारिश का मौसम था तो पूरी शूज़ ख़राब हो गई। फिर मैंने देखा तो फिर मैंने काम किया, थोड़ा सा मैंने वॉश किया और रख दिया है ऊपर। अब इसको हमको एकदम क्लीन करना है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है इसको क्लीन करने के लिए, लेकिन वो इक्विपमेंट्स मुझे लेने भी है, क्योंकि मेरे स्टोर पे भी रखने हैं, शूज़ की स्टोर है अभी तो अपनी, सो वो रखने हैं, बेचने के लिए भी रखने हैं और ख़ुद के लिए भी लेने हैं। सो इक्विपमेंट्स हम सबसे पहले लेंगे और इसको करेंगे पूरा क्लीन। तो गाइस ये ब्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, आज का दिन होता है खत्म। अगर आपको ये ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे आए आप नए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, जो रेड बटन उसको कर दीजिए ग्रे, और नोटिफिकेशन बेल कर दीजिए ऑलवेज ऑन पर। और अभी आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।